अब आज इस वक्त यहाँ इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, इसलिए अपने मतालबात को गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए एक पंचायत यूनाइटेड फ्रंट इन तीन ब्लाकों पर फिलहाल मुश्तमल किया है इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि हम फार फ्लंग एरिया से रहते हैं, हम ऐसे गरीब इलाकों से रहते हैं जहां गवर्नमेंट की कोई रसाई नहीं है, जहां हमारा कोई हुक्मरान पिछले 30 सालों से जहमत भी गवारा नहीं कर सकता था कि हमारी हालत जार क्या है। हमारा यहाँ मतलब से जरूरत सगीपोरा तक पूरा एरिया जो है फार फ्लंग एरिया है। ये एरिया इतना फेमस है, झील वलोर भी इसी में आता है, बाब शुक्रद्दीन ज़ियारत भी इसी में आता है, यमर जलवारी मुकाम शहीद भी इसी में आता है, जोरोसा लोग अगर बदकस्मती से ये सारा जो टूरिस्ट एरिया होता है इसको आज तक मुकम्मल तौर नज़रअंदाज किया गया है। किसी भी हुकूमत ने हमारे इस इलाके को जहाँ एक वक्त इसको लंदन है, मगर बदकस्मती से आज ये है कि जो ये सोपोर एरिया है, तहसील सोपोर और इस वक्त 3 तहसीलों पर मुश्तमल है, इसकी ऐसी हालत है कि शैतान भी शर्म साज होता है, क्योंकि यहाँ हमारे नाले गली कोचे सड़क दफ्तर तमाम हैरान परेशान हैं। हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी बेकारी है, हमारे नौजवान इस वक्त बुरे आदतों में फंसे हैं, मुंशियात के आदि हो गए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करके आज दर बदर फेर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट के वक्त ने आज तक यहाँ न कोई सनत खोली है, जितने भी महकमा हैं वो मफलूज होकर रह गए हैं, कोई ज़मीनी सतह पर हमारा यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पर उन्होंने बोला कि हम इन इदारों को मजबूत करेंगे, और हाल ही में मरकजी लेवल से स्टेट गवर्नमेंट तक गवर्नर इंतजामिया ने एक बैक टू विलेज प्रोग्राम तश्कील दे दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने गाँवों तक रसाई दी, जो इन्होंने अपने रिप्रजेंटेटिव वहाँ भेजे थे और हमारे बुनियादी सतह पर मामला देखने के लिए, और उन्होंने दिन रात मेहनत करके हमने ये प्रोग्राम कामयाब बना दिया। अब हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, मरकजी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी, जो भी हमने बैक टू विलेज में अपने मामला दिए हैं और उसका हमें फीडबैक मिलना चाहिए, जो भी हमारे यहाँ मामला थे, चाहे वो पानी का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, बेरोजगारी का हो, कारखानों का हो, जितने भी मामला है, ये मेनू अन अमल में लाने आए होने चाहिए और वह फिर मकदार में फंड आने चाहिए।